दोस्तों अगर आप भी श्रेष अय्यर को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ एक ही ओवर में 32 रन जड़कर करी छक्कों की बरसात, तोड़ दिया वर्ल्ड कप का 100 साल से भी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड। सचिन, सहवाग, धोनी तो छोड़ो, आज तक रोहित कोहली युवराज तक भी नहीं तोड़ पाए। तो आखिर क्या है ये रिकॉर्ड, ये तो आपको वीडियो में दिखाएंगे उनकी बल्लेबाजी के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रेष अय्यर, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारत और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप का 33वां मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत श्रीलंका के टॉस जीतने के साथ हुई और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों उनके इस फैसले को बिल्कुल गलत हमारे बल्लेबाजों ने साबित कर दिया, क्योंकि 50 ओवर भारत ने पूरे खेले और इस मैदान पर 300 के पार स्कोर को पहुंचा दिया। और इस बीच भले पहला बड़ा झटका भारत को रोहित शर्मा के रूप में 4 रन के कुल स्कोर पर ही लग गया था, लेकिन फिर शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और फिर केएल राहुल ने 21 रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूती दिलाई और यहां भारत 300 रन के पार पहुंचा। और दोस्तों इस दौरान हर किसी का दिल तो शुभमन गिल, विराट कोहली ने तो जीता ही, लेकिन दोस्तों विराट कोहली के अलावा श्रेष अय्यर का बल्ला आज जिस अंदाज में चला वो देखकर पूरा देश हैरान है। जी हां, वह ये था कि श्रेष अय्यर ने आते से ही पहली गेंद पर छक्का जड़कर ये बता दिया था कि वो आज मैदान पर कैसी बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि दोस्तों शुरुआत में तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उनको सीरियसली लिया नहीं और उनको आउट करने की कोशिश भी नहीं की, और इसी का फायदा उठाते हुए श्रेष अय्यर धीमे धीमे करते हुए अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले और खूब छक्के चौकों की बरसात वो करते हुए नजर भी आ रहे थे। जहाँ एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अगर 350 रन तो छोड़ो 300 रन तक भी पहुंच गई तो काफी बड़ी बात होगी, और श्रेष अय्यर की बदौलत भारत 350 के करीब पहुंच गया। हालांकि यहाँ पर श्रेष अय्यर ने 6 छक्के और 3 चौकों की बदौलत मात्र 56 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली। और दोस्तों अपनी इस पारी में उन्होंने महेश दीक्षणा के एक ओवर में ही 32 रन जड़ डाले और दोस्तों इस दौरान 146 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा। और दोस्तों इस बीच श्रेष अय्यर के बल्ले से हर किसी को शतक की तो उम्मीद लग रही थी, लेकिन वो अपना शतक जड़ने से तो चूक गए, लेकिन वो वनडे विश्व कप के इतिहास में ऐसे कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर गए जो कि आज से पहले आपने सुने भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको एक एक करके श्रेष अय्यर के वो सभी रिकॉर्ड बताते हुए चलते हैं। यहाँ पर इस लिस्ट में जो पहला बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि दोस्तों श्रेष अय्यर ने आज जैसे ही 82 रन जड़े तो उन्होंने वनडे क्रिकेट करियर में अपने 2000 रन के आंकड़े को पूरा कर लिया, जैसा कि आप सब यहाँ पर लिस्ट में भी देख सकते हो। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 2000 रन सबसे कम मैचों की सबसे कम पारियों में जड़ने वाले 5वें नंबर के बल्लेबाजों की सूची में श्रेष अय्यर अब सबसे आगे निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अय्यर ने मात्र 54 मैचों की 49 पारियों में यह कारनामा कर दिखाया है और उन्होंने महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का यह रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वहीं युवराज सिंह को भी उन्होंने पीछे कर दिया इस मामले में, जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट में भी देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए श्रेष अय्यर उनसे आगे निकल चुके हैं। वहीं बात करें अगर आगे बढ़ते अगले रिकॉर्ड के बारे में जो निकल कर आता है वो ये है कि अय्यर ने आज जैसे ही महेश दीक्षणा के एक ही ओवर में 32 रन जड़े तो यहाँ पर श्रेष अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में सबसे ज्यादा रन जड़ने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर था जिन्होंने एक ही ओवर में 26 रन श्रीलंका के खिलाफ जड़े थे, लेकिन अब अय्यर ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में 32 रन जड़कर यह कारनामा किया। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला रिकॉर्ड अय्यर ने बनाया है वो ये है कि भारत की तरफ से 2000 रन के आंकड़े को पार करने वाले भारत के 28वें खिलाड़ी बन चुके हैं और उन्होंने संजय मांजरेकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उनसे आगे निकल चुके हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने शुभमन गिल, रुद्रप्रताप सिंह और वीवीएस लक्ष्मण को भी पीछे कर दिया। बाकी दोस्तों आप सभी की क्या राय है श्रेष अय्यर के इन रिकॉर्ड के बारे में और आप अय्यर को उनकी बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।